हेलो किड्स टुडेज वीडियो इज अबाउट योर सेकंड लेसन ऑफ इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज वट आर आर्टिकल्स ओके आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक किसी भी नाउन को जो स्पेसिफिक तरीके से या किसी भी अनस्पेसिफिक तरीके से जिसको डिफाइन कर सके उसको हम आर्टिकल कहते हैं अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल देर आर अभी हमें आगे पता चलेगा ए एंड एन आर इनडिफाइनेट आर्टिकल ठीक है ए कम्स बिफोर नाउन्स डैट आर सिंगुलर एंड काउंटेबल बिगनिंग विथ कॉन्सनेट साउंड अब क्या होता है ए और एन क्या है हमारे इनडिफाइनेट आर्टिकल आर्टिकल हैं जो ए है वो नाउन से पहले आता है वो नाउन से पहले जो कि सिंगुलर होते हैं या फिर काउंटेबल नाउन होते हैं जैसे कि जो भी नाउन्स कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं अब नेक्स्ट आ जाओ एन एन भी हम एन ऑल्सो कम्स बिफोर नाउन्स दैट आर सिंगुलर एंड काउंटेबल बट बिगनिंग वॉवल साउंड अब दोनों चीज़ हमारी नाउन सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन से पहले आती है लेकिन जो ए आता है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ में आता है और जो एन आता है वो वॉवल साउंड्स के साथ में आता है ठीक है अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है द द इज द डिफाइनाइट आर्टिकर्टिकल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अब द जो है वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का एक डिफाइन डिफाइनाइट आर्टिकल है द कर्म्स बिफोर नाउन्स दैट आर पर्टिकुलर एंड डिफाइनाइट अब जो द है वो उन नाउन्स से पहले आता है जो पर्टिकुलर होते हैं या फिर प्रॉपर होते हैं डिफाइनाइट होते हैं ठीक है थीके? अब नाउ टेक नोट्स अब तुम्हें इन आगे का जो भी है उसे ध्यान से सुनना है लिसन ए एंड एंड आर यूज इन प्लेस ऑफ वन और सिंगल दे के नॉट बी यूज फॉर प्लूरल नाउ्स हमेशा याद रखना जो ए और एन है वो हमेशा किसी भी एक चीज़ यानी कि हम किसी एक चीज़ के बारे में जब बात करते हैं तब यूज़ होता रहता है यानी कि उनको प्लूरल एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए ए एन एन का इस्तेमाल यूज़ नहीं हो सकता है नेक्स्ट इफ़ देर आर एडजेक्टिव और एडवर्ब बिफोर अ नाउन द आर्टिकल मस्ट अग्री विद द वर्ड दैट कम्स राइट आफ्टर इट जैसे कि एडजेक्टिव या एडवर्ब्स हैं इससे पहले द आर्टिकल मस्ट एग्री विद द वर्ड दैट कम्स राइट आफ्टर इट जो आर्टिकल है उसको उसके साथ में एग्री होना पड़ता है जो कि जस्ट उसके बाद में आता है ठीक है नेक्स्ट आ जाओ ए इज ऑल्सो यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वस लाइक अ कॉन्सनेंट ए उन वर्ड्स उन, उन वर्ड्स उन नाउंस के आ, क्या बोलते हैं उन वर्ड्स के पहले भी यूज होता है जो होती तो वॉवल्स हैं लेकिन साउंड किसके जैसे करते हैं कॉन्सोनेंट्स के जैसे साउंड करते हैं नेक्स्ट एन इज़ ऑल्सो यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगेन विद अ कॉन्सोनेंट बट साउंडस लाइक अ वॉवल अब सेम चीज़ एन में भी अप्लाई होती है होर्ड्स के पहले भी आता है जो होती तो कॉन्सोनेट्स हैं लेकिन साउंड किसके जैसे करते हैं वॉवल के जैसे साउंड करते हैं एन इज़ ऑल्सो यूज बिफोर नंबर्स एंड अल्फाबेट्स दैट साउंड लाइक दे बिगिन विद द वॉवल एन जो है वो उन नंबर्स या अल्फाबेट्स के पहले भी यूज़ होता है जो कि विद द वॉवल अल्फाबेट दैट साउंड ऐसा साउंड करते हैं कि वो वॉवल के साथ में स्टार्ट हो रहे हैं अब आ जाओ अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाओ अनकाउंटेबल नाउंस दैट आर प्रोसीडेड बाय एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब डू नॉट हैव इनडिफाइनेट आर्टिकल बिफोर दैम अब जो अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं वो प्रिस बाई एडजेक्टिव या फिर एडवर्व से प्रिस होते हैं उनका कोई भी इंडिफाइनेट आर्टिकल उनसे पहले कोई नहीं होता है ठीक है अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऑल्सो डू नॉट हैव इनडिफाइनेट आर्टिकल बिफोर देम अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनमें भी उनसे पहले क्या किसी भी वर्ड से पहले कोई भी इनडिफाइनेट आर्टिकल नहीं होता है द इज यूज बिफोर ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ डिफाइनाइट नाउन्स जो द है वो लगभग लगभग हर टाइप के डिफाइनाइट नाउन्स से पहले यूज किया जाता है काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो सिंगुलर हो प्लूरल हो प्लूरल हो एब्सट्रैक्ट हो या कॉन्क्रीट हो ओके नेक्स्ट इफ एन ऑब्जेक्ट हैज बीन मैंशन विद एन इनडिफाइनाइट आर्टिकल फर्स्ट डिफाइनाइट आर्टिकल विल बी यूज फॉर द सेम नाउन इन लेटर कॉन्सटेक्ट अब कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इंडिपेंडेंट आर्टिकल में पहले आर्टिकल में मैंशन हो चुका है तो उसी को सेम नाउन में बाद में कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाएगा सम प्रॉपर नाउन्स आर ऑल्सो प्रोसीडेड बाय द फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो द से स्टार्ट होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन दर्न आयरलैंड अब ये कुछ ऐसे शब्दों में से हो गया जो कि जिनमें कि द यूज होता है किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले अब हमारा क्वेश्चन नंबर वन यहाँ से स्टार्ट होता है कम्पलीट दी फॉलोइंग सेंटेंस विध सूटेबल आर्टिकल्स अब हमारे पास में यहाँ सिक्स फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इनमें हमें जो भी सूटेबल आर्टिकल होगा वो इसमें भरना है जैसे कि फर्स्ट हमारा है ही इज डैश डॉक्टर नॉट डैश एक्टर अब फॉर एग्जाम्पल ही इज डॉक्टर नॉट एन एक्टर अब ओके अब जैसे एन होता है हमारा वॉवल्स के पहले लग लगता है तो जैसे कि ए ई -E आई ओ यू वॉवल्स हमारे हो गए तो और बाकी जो एनी uh, अल्फाबेट होते हैं इनके अलावा वो कॉन्सनेट्स होते हैं तो डॉक्टर से पहले क्या हो गया डॉक्टर हमारे ए ई आई ओ यू के अंदर नहीं आता तो ए आ गया इससे पहले उसके बाद में एक्टर ए ए ए आ रहा है तो फिर उसमें एन आ जाएगा इसी तरीके से हमें बाकी के फाइव भी करने हैं सेकेंड आ जाएगा शी डिडेंट कम टू डैश पार्टी बिकॉज शी डिडेंट रिसीव डैश इन्विटेशन शी डिट कम टू द पार्टी बिकॉज शी डिडेंट रिसीव एन इन्विटेशन अब ये पूरे के पूरे जो वन टू फिफ्टीन है इन सब में या तो ए लगेगा कहीं पे कहीं पे एन लगेगा कहीं पे डी लगेगा तो इन इनको ध्यान से देखना पढ़ना समझना और फिर इनको फिलअप करना और बाकी जो समझ नहीं आएगा वो ऑलरेडी स्लाइड में आपका भरा हुआ है उसको देख भी आप लोग समझ सकते हो अब हम हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे री राइट सेंटेंसेस इंसर्टिंग आर्टिकल्स और रिमूविंग और रिप्लेसिंग दैम वेरेवर नेसेसरी है अब हमने फाइव सेंटेंसेज दिए हैं इनमें हमने क्या करना है इनको दोबारा से लिखना है कहीं पे हमने आर्टिकल्स को ऐड करना है और कहीं से हमने आर्टिकल्स को हटा देना है जैसे भी नेसेसरी हो सेंटेंस को चेंज करने के हिसाब से ओके okay, फर्स्ट हमारा क्या है फ्लाइट टू जापान वाज डिलेड बिकॉज देयर वाज एंड बिहेल स्ट्रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे एन नहीं आएगा वॉज एन बिग हेल स्टॉम नहीं आएगा तो हम इसको रीराइट इस तरीके से करेंगे फ्लाइट टू जापान वॉज डिलेड बिकॉज देयर वॉज एन की जगह हम ए लिख देंगे देयर वॉज अ बिग हेल स्ट्रॉम ठीक है ये हमारा रीराइट रीराइट हो गया हमने ए को रिप्लेस करके एन को रिप्लेस करके ए लिख दिया सेकेंड में आ जाओ प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट गेव स्पीच टूडे अब इसमें हम कहीं पे ऐड कर सकते हैं जैसे कि हम गेव के बाद और स्पीच से पहले अ लिख सकते हैं प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स गेव अ स्पीच टुडे थर्ड में आ जाओ नील आर्मस्ट्रांग वाज एस्ट्रोनॉट हु वाज फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन सरफेस ऑफ मून अब इसमें वॉज के बाद और फर्स्ट के बीच में दिया जाएगा जैसे कि ध्यान से सुनना नील आर्मस्ट्रांग वाज एस्ट्रोनॉट अब आ जाओ नील आमस्ट्रॉन्ग वॉज वॉज के बाद में हम एन लगा देंगे वॉज एन एस्ट्रोनॉट हु वॉज दी दी लगा देंगे फर्स्ट से पहले फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन फिर आएगा हमारा द सरफेस ऑफ द मून अब ये पूरा सेंटेंस क्या बनता है नील आमस्ट्रांग वॉज एन एस्ट्रोनॉट हु वॉज द फर्स, फर्स्ट द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ मून नेक्स्ट फोर्थ हाउ मच डज पीस ऑफ दिस मटीरियल कॉस्ट कैन आई पे विद क्रेडिट कार्ड अब यहाँ पे हमें ये अनकम्प्लीट सेंटेंस लग रहा है तो हम इसको इस तरीके से कम्प्लीट करेंगे हाउ मच डज द पीस ऑफ द मटीरियल कॉस्ट द पीस डज के बीच में हम द लगा देंगे हाउ मच डज द पीस ऑफ दिस मटीरियल कॉस्ट कैन आई पे विद विद के बाद हम द लगा देंगे विद द क्रेडिट कार्ड ये हमारा करेक्ट प्रॉपर सेंटेंस हो गया अब फिफ्थ में आ जाओ ओबामा इज फर्स्ट एफ्रो अमेरिकन टू बी इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ओबामा इज ओबामा इज के बाद में आएगा द फर्स्ट एफ्रो अमेरिकन टू बी इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अब इस तरीके से हमको ये सारे करने हैं ओके अब यहाँ तुम्हारा सेकंड लेसन ख़त्म होता है और इस चीज़ को बहुत इजी है बहुत इजीली ये कंप्लीट हो जाएगा बट स्टिल अगर कोई परेशानी होती है कुछ होता है तो आप इससे पूछ सकते हो थैंक यू